लोगों को देखता हूँ मैं हर जगह आसपास, सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर एटलीस्ट ऐसे लग रहा है। मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाके देखो, वही वैसा ही जैसा मैं पहले था वैसा ही। अब कुछ बदलने वाला है। बोल के हो गए 10 साल, मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक आ गए, पर मैं वही का वही। शायद सब बदलने वाला है। हर वो इंसान या तो खुद से या तो जो चीज है वो बदल नहीं सकता, उससे परेशान है। सोसाइटी में एक अलग सा प्रेशर है जो ऐसा लगता है कि हमें दबा ही देगा। घुटन सी होने लग जाती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। कुछ लोग इस सिचुएशन से लड़के सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। और मैं दूसरे टाइप के लोगों में से हूँ। आलस सबसे बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से, जो कि एक इंसान को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाता है। अगर ज्यादा ही प्रेशर हो तो उस सिचुएशन में परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली हम छक्का मार के मैच जिता देते हैं, या तो एक रन भाग लेते हैं या तो आउट हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो मोबाइल में घूम हो जाते हैं और उनको और मुश्किल हो जाता है बाहर निकलने के लिए। मोबाइल का ट्रैप जो है वो काफी खतरनाक है। या तो उसमें गेम खेलो, या तो उसमें चैट करो, अजीब अजीब चीजें देखो, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, जो एक्चुअली कुछ काम की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बकवास है, पर उसे कितना टाइम देना चाहिए वो हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सब होने के बाद अपनी एनर्जी खत्म हो जाती है और बाद में हम खुद को गाली देने लग जाते हैं, खुद की बुराई करने लग जाते हैं, खुद को निकम्मा समझने लग जाते हैं। ऐसा लगने लग जाता है एक वक्त बाद में कि खुद कुछ नहीं कर सकता मैं, जो कि गलत है। हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं बेचारा हूँ। ये सब सोचते सोचते हम कुछ नहीं करते। वक्त तो चलते रहता है, हम बूढ़े हो जाते हैं और लोग जो कहते थे वो सच हो जाता है, और फिर हमें रह जाता है जिंदगी भर का रिग्रेट। ऐसे लोग फिर सिचुएशन को ब्लेम करते हैं और सोसाइटी को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ऐसा होता तो मैं ये करता, मुझे वो मिलता तो मैं आज ऐसा नहीं होता, मेरे साथ वैसे नहीं होता तो आज कुछ और बात होती थी। क्या होगा अगर मैं या कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा। लोगों से हर वक्त सुनना पड़ेगा कि तुम कितने निकम्मे हो। फैमिली हमेशा अजीबोगरीब सवाल पूछते रहेंगे, सिर्फ क्लोज फैमिली नहीं, दूर के रिश्तेदार भी पूछते रहेंगे कि भाई क्या करते हो। फैमिली के सवालों को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, पर रियलिटी से नहीं भाग सकते। जो सवाल पूछे जाने से पहले ही भाग जाता है, उस इंसान का पीछा अक्सर सवाल ही करते हैं। तुम्हें साधारण लाइफ जीनी पड़ेगी, हर दिन स्ट्रगल करना होगा। ऐसे सब थॉट से तुम्हारा दिन भर जाएगा कि यार अगर तब भी मैं वो कर लेता तो लाइफ कुछ और होती। पर तभी भी हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं, पर वक्त वापस नहीं ला सकते। तो क्या करना होगा भाई? एक्शंस लेना होगा, आदतें बदलनी होंगी। जो सवाल अच्छे नहीं लगते उनको फेस करना होगा, उनका सामना करना होगा। वक्त रहते सुधरना होगा, किताबें पढ़नी होंगी। पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो बुक सुनो, पॉडकास्ट सुनो, पर प्रैक्टिकल नॉलेज जो मार्केट में या असली दुनिया में मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं, वही सबसे बेस्ट है। दुनिया भर की किताबें एक तरफ और रास्ते पे लोगों से सीख के ऑब्जर्व करके जो चीजें हमें समझ में आती है या हम सीखते हैं वो एक तरफ, दोनों ही जरूरी है। अपनी फैमिली को जो तुम्हें कुछ बोल रही है तो उनका सुनना होगा, वो हमें प्यार ही करते हैं। अगर हम मदद लेते हैं किसी की तो हम छोटे नहीं हो जाते, पर अगर कोई मदद करे और हम उसे मदद ना करने दे तो कोई भी परेशान हो जाएगा और तुम्हें मदद ही नहीं करेगा। फिर वो सोचेगा कि ये सिर्फ बातें करता है, इसको कुछ करना नहीं है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, और वो चले जाएंगे। सो उनको अपनी मदद करने दो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या करना है तो सामने वाले की चुपचाप सुनो और उसकी मदद करो तुम्हारी मदद करने के लिए। खुद से झूठ बोल के क्या ही कर लोगे? दुनिया से कितना भी झूठ बोल लो, खुद से झूठ बोलोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। सक्सेसफुल लोगों को मिलना होगा, ऐसे लोगों को मिलना होगा जो तुमसे ऊपर है और तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे आगे बढ़ सके। अंत में याद रखो, अगर तुम्हें किसी ने मदद की है सक्सेसफुल होने के लिए, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी लोगों की मदद करो और उन्हें ज्ञान दो जो तुम्हें मिला है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता।